आज मैं आपके साथ एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि इतना पॉपुलर हुआ, उसके इतनी सारी वीडियोस मैंने देखी कि मैं रुक नहीं पाई उसे ऑर्डर करने से। तो फ्रेंड्स, दैट इज पिलग्रिम स्क्वालिन ग्लो मॉइस्चराइजर। आपने भी सुना होगा ना कि लगाते ही ग्लो आ जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रोडक्ट का पूरा सच आज मैं आपके सामने बताने वाली हूँ कि क्यों ये प्रोडक्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। एंड हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ब्यूटी गाइडर। फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन। आशा करती हूं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखते हैं कि इसकी पैकेजिंग कैसी है। तो ये इस टाइप के कार्डबोर्ड के बॉक्स के अंदर आता है। बॉक्स में इसके बारे में हर एक जानकारी अच्छे से दी गई है। और जब बॉक्स को ओपन करते हैं तो इस टाइप का एक छोटा सा टब निकलता है जो कि 50 ml का है। और इसकी प्राइस पर अगर बात कर ली जाए तो इसका प्राइस है 550 rupees विथ 50 ml क्वांटिटी। और की जो एक्सपायरी डेट है वो है 2 ईयर की, बट इसकी शेल्फ लाइफ मात्र 3 मंथ की है। यानी कि अगर आपने इसको ओपन कर लिया तो 3 मंथ के अंदर अंदर ये प्रोडक्ट खराब हो जाएगा और 3 मंथ के अंदर आपको इसको पूरा यूज करना है। इसकी कंसिस्टेंसी एकदम रिच क्रीमी टाइप की कंसिस्टेंसी है। लाइट क्रीम कलर की ये क्रीम है। क्यूक एब्जॉर्बिंग है, लाइट वेटेड क्रीम है। ये है इस प्रोडक्ट की फ्रेग्रेंस की। इसके बॉक्स के ऊपर लिखा गया है कि इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं है। बट फ्रेंड्स, जैसे ही हम इसके बॉक्स को ओपन करते हैं इसके अंदर से काफी तेज फ्रेग्रेंस आती है, जैसे कि किसी परफ्यूम की फ्रेग्रेंस होती है उस टाइप से इसकी फ्रेग्रेंस आती है। हो सकता है कि इसके अंदर बहुत सारे इसेंशियल्स ऑयल यूज किए गए हैं उनकी फ्रेग्रेंस हो। जो प्रोडक्ट है ये FDA अप्रूव्ड है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। इसके अंदर किसी भी प्रकार के कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट का यूज नहीं किया गया। सल्फेट और पैराबिन का भी यूज नहीं किया गया है। बॉक्स में इसके अलावा भी कुछ लिखा है। इसमें लिखा है कि पिलग्रिम ने ढूंढ निकाला है फ्लॉलेस स्किन का सीक्रेट। ये क्रीम आपको देगी फ्लॉलेस स्किन, आपकी स्किन को एकदम ब्राइटन बना देगी, हाइड्रेट करेगी, सूदिंग इफेक्ट भी देगी। और हाँ फ्रेंड्स, इस बॉक्स में एक और चीज लिखी है कि ऑल स्किन टाइप वालों के लिए सुटेबल है। चलिए इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी देख लेते हैं कि इसके अंदर इसके की इंग्रेडिएंट क्या। पहला इंग्रेडिएंट है स्क्वालिन जो कि ड्राइव किया गया है स्पेन के ऑलिव से। ठीक है फ्रेंड्स, वो हमारी स्किन को हाइड्रेट करेगा, स्मूथ बनाएगा, रिंकल्स को हटाएगा। अलावा इसके अंदर यूज किया गया है नियासिनामाइड। नियासिनामाइड हमारी स्किन को एकदम ब्राइटन कर देता है, चमक ले आता है, पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट को हटाता है और हमारी स्किन को फ्रेम एंड सॉफ्ट बनाने का काम करता है। जो थर्ड इंग्रेडिएंट है डेट इज वाइटामिन सी। वाइटामिन सी इन्होंने लिया है ऑरेंज पील से, लेमन पील से। ठीक है फ्रेंड्स, विटामिन सी हमारे स्किन के कोलाजन को बूस्ट करता है, फाइन लाइन रिंकल्स को हटाता है, डार्क स्पॉट को फेड करता है, हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने का काम करता है। कि इस क्रीम को अप्लाई कैसे करना है, तो इन्होंने बॉक्स पर मेंशन किया है कि पहले आपको अपनी स्किन को क्लींजिंग करना है यानी कि धो लेना है, उसके बाद टोनर का यूज करना है, टोनिंग करना है, देन आप इस मॉइस्चराइजर का यूज करेंगे और फिर उसके बाद आपको बोट स्पेक्ट्रम यानी कि SPF सनस्क्रीन यूज करनी है। मैंने ऐसा क्यों कहा वीडियो के स्टार्टिंग में कि क्रीम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और इसका सच मैं आपके सामने बताने वाली हूँ। आप देख सकते हैं कि इस बॉक्स पर लिखा है कि ये जो क्रीम है ये ऑल स्किन टाइप वालों के लिए सुटेबल है, बट फ्रेंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी जो स्किन है वो ड्राई है। इस क्रीम को लगाने के बाद मुझे मेरी स्किन और भी ज़्यादा ड्राई लगी। इसको लगाने के बाद मुझे कोकोनट ऑयल लगाना ही पड़ा, अदरवाइज मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ भी अपनी स्किन पर नहीं लगाया है, इतनी ज़्यादा ड्राई मुझे मेरी स्किन लगी, वो भी समर में। तो स्किन ड्राई है उनके लिए बिग नो है, ड्राई स्किन वालों के लिए क्रीम बिल्कुल भी नहीं बनी। अब रीज़न ये है कि मुझे इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा लगा, क्योंकि 550 rupees की सिर्फ 50 ml ये मिल रही है, तो प्राइस वाइज काफी ज्यादा है। ना पसंद करने का थर्ड रीजन ये है कि जब मैंने इस क्रीम के इतनी सारी वीडियोस देखी कि लगाते ही ग्लो आ जाता है, लगाते ही ग्लो आ जाता है, तो गाइस मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रही थी। मुझे लगा कि वाओ मेरी स्किन इतना ज्यादा ग्लो करेगी, बट फ्रेंड ऐसा कुछ भी नहीं है। लगाने के बाद आपकी स्किन अच्छी लगेगी आपको, ठीक है, पर ऐसा नहीं कि आपकी स्किन चमक रही है, इतना ज्यादा ग्लो मार रही है कि आपकी स्किन पर कोई ट्यूबलाइट लग गई है, ऐसा नहीं है, आपकी स्किन नॉर्मल लगती है। बात कर लेते हैं कि अमेजोन पर इस प्रोडक्ट को कितनी रेटिंग मिली हुई है, तो 5 out of 4 star ऑफ रेटिंग मिली हुई है। वहां पर भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर रखा है कि उनकी स्किन ड्राई थी, इसने और भी ज्यादा ड्राई बना दी। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रेटिंग मिली हुई है। कुछ लोगों को ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा भी लगा है, लेकिन कुछ लोग इससे खुश नहीं है, उनको नॉर्मल। पर ये भी मेंशन कर रखा है कि जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो इसको यूज करने से पहले पैच टेस्ट जरूर ले। इसके मेन कंसर्न पर, तो इसका मेन कंसर्न था कि चेहरे की डलनेस हटाती है, डार्क स्पॉट हटाती है, पिगमेंटेशन हटाती है और आपकी स्किन को हाइड्रेट एंड ग्लोइंग बनाती है।
तो फ्रेंड्स डलनेस डेफिनेटली इसने दूर की है, डलनेस पे वर्क किया है, इसको लगाने के बाद स्किन सॉफ्ट एंड सफल लगती है, बट ड्राई स्किन वालों की नहीं। ओके फ्रेंड्स, और रिंकल्स एंड फाइन लाइंस जो होता है, पिगमेंटेशन जो होती है, उस पर ऐसा कुछ वर्क नहीं किया है, क्योंकि ये क्रीम मैंने पूरी की पूरी फिनिश कर दी है। 1 month हो गया है मुझे इस क्रीम को यूज करते हुए, अभी तक मेरे डार्क स्पॉट पर, पिगमेंटेशन पर और रिंकल्स पर ऐसा कुछ वर्क नहीं मिला। हो सकता है 5-6 महीने यूज करें तब कुछ रिजल्ट मिले, बट अभी तक मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला है। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो पर। बाय बाय।